हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भैया आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमिंग चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं फार्म सिमुलेटर 22 यानी कि 2022। तो भाई मैंने सारी जो बेल थी कई सारी इसमें रख के और भाई अपना बेल्ट लगा दी है और अभी थोड़ी सी बेल बची हैं तो इन बेल के लिए मुझे चाहिए। अब नई टेक्नोलॉजी और भी आई है काफ़ी सारी, तो मैं आपको आज दिखाता हूँ इसमें। और ये है भाई इसका फार्म सिमुलेटर 22 का तीसरा पार्ट। तो चलते हैं एक बार शॉप पे। और भाई ये है एक नया मल्चर, तो इसका नाम है मल्चर। तो ये क्या करता है, ये करता है कि मल्चर कैन बी यूज टू क्रश द क्रॉप स्टबल्स। तो जैसे हम कॉर्न लगाते हैं, कॉर्न के बाद उसकी डंडियां खड़ी हो जाती हैं, या जब वीट लगाते हैं तो उसके बाद जो पराली बच जाती है जिसे हम बोलते हैं पराली, तो उस पराली को भाई हम जलाते हैं। जैसे हरियाणा पंजाब और पूरे हिंदुस्तान में पराली जलाते हैं, उससे प्रदूषण फैलता है, तो ये उसको ख़त्म कर देती है। उसके बाद सीधे कल्टीवेट करो और भाई अपनी फसल लगा लो। तो इसमें कई सारे मल्चर हैं, छोटे बड़े हैं, ये है ये है। तो अगर मैं इसको लेता हूं तो देखो इसके अंदर मल्चर कहां पे चलेगा नज़र नहीं आएगा। तो इसको देखें तो इसके अंदर देखो एक नीचे रोलर सा बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये है इसके रोलर हैं, इसके भी हैं, तो मैं इसको ले लेता हूँ एक किराए पर आपको दिखाने के लिए। तो मुझे भी नहीं पता ये कैसे काम करेगा, मैंने पहली बार इसके साथ काम करना है, इस्तेमाल करना है इसको यानी। तो भाई इसके टायर वायर की ऑप्शन है, चलो टायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं ले लेता हूँ एक किराए पर। तो ये अभी आएगा शॉप पर। और हमने बनाई है बेल, और बेल उठाने के लिए भाई इन्होंने इस बार दिए हैं बेल लोडर नए नए। तो ये तो आपने देखे होंगे पहले, बड़ी वाली बेल उठाते हैं, और ये एक ट्रेलर हो गया, और ये नए आए हैं दो तीन, ये भी आपने पहले देखा होगा FS19 में। और ये आया भी एक नया जो कि छोटी बेल को उठाएगा, मिनी बेल जो हमने बनाई है स्मॉल बेलर से। तो ये उठाता है 120 सेंटीमीटर वाली बेल, इसका वजन है भाई 3 टन। तो इसको ले लेते हैं, ये उठाएगा भाई 14 बेल। देखो भाई छोटा सा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट, तो इसको मुझे एक लेना पड़ेगा किराए पे। तो ये हो गए भाई दो चीज और दो टेक्नोलॉजी। एक आए भाई रोलर्स। तो रोलर क्या करते हैं कि विद ए रोलर यू कैन इम्प्रूव द अपर सॉइल लेयर। तो अब जो हमारी खेत की ऊपर की सतह, ऊपर का फील्ड होता है, जो ऊपर की लेयर होती है, हम उसको रिपेयर, उसकी क्वालिटी को बढ़िया कर सकते हैं। अब ये जो रोलर है, ये जैसे कि हमने फसल काट दी, हार्वेस्टेड पे चलेगा, या कल्टीवेट के बाद चलेगा, या फसल लगाने के बाद चलेगा, तीनों, अब तीनों में से ये कैसे चलेगा ये पता नहीं है। तो इसके इसको लेते हैं और इसको इस्तेमाल करके देखते हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में अभी कोई नहीं पता। तो इसको एक ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा है ये, एक मिनट, ये है भाई, भाई ये 12 मीटर का है, ये है 24 मीटर का, भाई ये तो बहुत बड़ा। चलो ये छोटा वाला लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े अपने खेत हैं नहीं है। तो इसको लेते हैं भाई किराए पर, किराया यार इनका बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पास हो चुकी है भाई अब तीन चीज़, तो मुझे तीनों लानी पड़ेंगी। उसके लिए मुझे चाहिए तीन ट्रैक्टर, तो क्योंकि अब मैं बार बार जाऊंगा तो भाई मेरा टाइम ख़राब होगा। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था भाई इसके बारे में, हेल्पर के बारे में, AI हेल्पर कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में अगर आपने नहीं आपको पता तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो। वैसे मैं इसमें दोबारा आपको बता देता हूँ एक बार। ओहो कोई बात नहीं, चलो इसको भाई उतार देते हैं एक बार। और अब चलते हैं इसमें अपनी एस्केप दबा के इसके अंदर। तो जब मैं इसको दबा देता हूँ तो क्या होता है कि भाई अपनी शॉप नज़र नहीं आती, लेकिन अपनी शॉप है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे ऐसे तो यहाँ पर है, तीनों सामान पड़े हैं, तो मुझे इनको यहाँ पहुँचाना है। तो इसके ऊपर क्लिक करके और इसका डेस्टिनेशन मैं सेट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इसको मैं दो बार क्लिक कर दूँगा, वो भाई वहाँ पर पहुँच जाएगा। और ये ट्रैक्टर दूसरा है, और ये देखो ये फंस गया, एक मिनट, तो इसके आगे से मुझे इस ट्रैक्टर को भाई हटाना पड़ेगा, एक मिनट। तो इन ट्रैक्टरों को जाने के लिए मतलब जगह चाहिए खाली, तो इनको लगाने के लिए, तो भेजने के लिए इनको जगह चाहिए होती है। तो जो मैंने सामान लिया था किराए पे, ये वाला ट्रैक्टर, ये स्टोन पिकर, इसको मैं अभी वापस कर देता हूँ क्योंकि इसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं है। ओके, और ये बेलर था भाई छोटा, तो इस बेलर को मैं वापस कर देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी जगह हो जाए यहाँ पर, इसको वापस कर देंगे अभी। ओके, तो देखते हैं अब वो चला गया कि नहीं, वो देखो वहाँ पर अटक गया। तो भाई ये थोड़ी सी दिक्कत है इनके अंदर, बस बाकी तो ठीक है। अगर मैं इसमें चढ़ जाता हूँ और इसको हेल्पर को हटा देता हूँ, अच्छा ओके, अब मैं इसको भाई इसको लगाना है, हेल्पर को भेजना है, तो मतलब हमें खुली जगह चाहिए। तो फिर लगाते हैं भाई इसको एक बार, और डेस्टिनेशन, अरे एक इस पर जाके भाई इसका सेट डेस्टिनेशन, तो मैं यहाँ पे लगा देता, दो बार क्लिक करके। ओके, वो चला, अब चला जाएगा वो, क्योंकि भाई उसको अब जगह खुली मिल गई।
तो इस ट्रैक्टर को भी मैं जरा बाहर लेके आना पड़ेगा क्योंकि यार ये अंदर से निकल नहीं पाएगा। एक सेकंड, तो इसको ले चलते हैं थोड़ा, वो जा रहा है अभी, वो पहुंच जाएगा शॉप पे, क्योंकि अब मुझे 3 चक्कर मारने पड़ेंगे, नहीं तो इसको भेज देते हैं यहाँ से, यहाँ से तो चला ही जाएगा। तो इसको सीधे मैं रास्ते पर खड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, और भाई चलते हैं एक बार फिर से, और इसको भी करते हैं सेट डेस्टिनेशन। इसको भाई मैं थोड़ा सा अंदर कर दूँ, थोड़ा सा इसको यार यहाँ लगा दूँगा, नहीं तो दोनों फंस जाएंगे। ठीक है, ये भी चल पड़ा, और अब चलते हैं भी अपना ट्रैक्टर लेके तीसरा। तो एक भाई कह रहा था स्वराज को मतलब मोड मत लगाओ, तो मैंने मोड एक लगाया भाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी तेज है तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी जो गेम के अंदर ट्रैक्टर है उनकी स्पीड भाई बहुत ही कम है, बहुत ही स्लो है, 40 की। तो इसमें एक ट्रैक्टर और है वैसे मेरे पास, वो खड़ा हुआ है मैसी का। अच्छा, और तो ये हेल्पर अभी आ रहा है, अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं भाई इसको लेके फटाफट से, और तीनों को उठा के लाते हैं सामान को, और आज बेल भी बेचनी है मेरे को। तो कोई भाई कह रहे चैलेंज करो, तो भाई चैलेंज वैलेंज भी करेंगे बाद में, और अभी तो पहले मैं जरा आपको दिखा दूँ कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। भाई मुझे भी देखना है ना ये नई चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो जो ये हम इसमें देख रहे हैं, आप मुझे बताना कमेंट करके कि ये चीज़ इंडिया में आ गई है कि नहीं, मतलब इंडिया के अंदर ये चीज़ें किसी ने देखी हैं या सुनी हैं, तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताना। तो ये अपना एक ट्रैक्टर आ चुका है, उसको आने देते हैं एक बार, पहले जब मैं उनको भेज दूँ, एक मिनट उसको खड़ा करते हैं। अब ये रुकता कहाँ पर जाके ये पता नहीं है, देखो ये यहाँ पे आके फंस गया। चलो कोई बात नहीं, इसको अब हेल्पर को हटा देंगे, और अच्छी बात ये है कि भाई ये हेल्पर कोई पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं, शुगर है कि नहीं तो भाई फिर दिक्कत हो जाती, तो पैसे लेते तो फिर मतलब पैसे कटेंगे हमारे। वो देखो वो कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, उसको जहाँ मैंने लगाया था वहीं पर जाएगा। एक मिनट भाई, इसको भेज दो जरा अपने घर। ओके, इसको करते हैं भाई सेट डेस्टिनेशन, और भाई तू यहाँ पे जाकर रुक जाओ खेत के पास, ठीक है, वो चला जाएगा, और हम इसमें उतर जाते हैं और इसके अंदर चलते हैं डायरेक्ट। तो इसमें जाएगा नहीं, इसके अंदर जाना पड़ेगा, और एक ये बहुत आगे चला गया, तो थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक भाई अपना टूल लेके जा चुका है अपना हेल्पर, अब चलते हैं दूसरे के पास और लगाते हैं भाई इसको, और एक रोलर मैं लेके चलूँगा, और बाकी ये मल्चर लेके चलूँगा मैं, ये मल्चर है, ये है मल्चर, मल्चर रोलर, देखो क्या क्या चीज़ें आ गई भाई। तो यहाँ से इसको भेजेंगे तो चला जाएगा ये। ओके, इसको मैं भेज दूँगा भाई ये घर के सामने यहाँ पर, तो इसका एक, तो ये एक बार में तो पहली बार में ही सेट करना होता है डेस्टिनेशन। इसको मैं भेज दूँगा भाई यहाँ पर, चल भाई ओके निकल तो भी ले भाई, वो भी निकला और हम भी निकले अपना ट्रैक्टर लेके। और बेल बिकती है एनिमल डीलर पे, तो जहाँ पर स्ट्रॉ हे वगैरह बिकेगी वहीं पर हमें बेचनी पड़ेगी। तो दो पॉइंट है इसमें, एनिमल डीलर पे रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो भाई हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब चलते भाई इसको लेके अपने ट्रैक्टर को। तो भाई FS-22 के अंदर भी हमने, अच्छा एक हेल्पर पहुँच गया जिसके अंदर भाई मेन ट्रैक्टर तो लेके आए हैं, एक ही लाया हूँ अभी मैं, और बोर्ड भी लाया, बाद में लाऊंगा जब भी चैलेंज वैलेंज करेंगे तब। तो देख रहे हो इसकी स्पीड और उसकी स्पीड में बहुत फ़र्क है, जब भाई इसकी स्पीड 80 की है तो इनकी 35 की है, 35 की स्पीड है 40 की बस, इससे ऊपर स्पीड नहीं है। तो सबसे पहले इनको मैं खड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, तो इनको मैं इस्तेमाल करूँगा बाद में आके। तो पहले ज़रा बेल मैं उठा लेता हूँ इससे, ये है भाई नया आया है ये अपना लोडर, बेल लोडर, तो इसको बी से करेंगे ऑन, और ये ऐसे ही बस इतना से चलेगा। इसमें देख रहे हो चेन चल रही है नीचे, अगर आप देखो ध्यान से तो ये चेन चलने लगी, और ये चेन सीधे से उठाएगी और फिर उसको भाई राइट को मोड़ के और अपना पीछे सेट कर देगी। इसको इसको बस बेल के पास लेके जाना है ऐसे, और ये उठा लेगी। आपने ये देखे होंगे पहले बड़ी वाली बेल के, लेकिन ये अभी छोटी बेल के लिए, देखो ये अपने आप ही उठा लेगी ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हेल्पर भी पहुंच के वहाँ पे खड़ा हो गया, वेरी गुड, चल भाई खड़ा रहा, अभी मैं आता हूँ तेरे पास। तो ये अच्छी चीज़ है हेल्पर वाली, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी है, हेल्पर वगैरह फंस जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो अब मोड़ते हैं भाई इसको इधर से। तो मैंने 10 बेल छोड़ दी थी, 10-12 बेल, बाकी मैंने सारी अपनी ट्रक में उसमें दूसरे गाड़ी में भर ली, तो क्या है कि अपना काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। और भाई उसके अंदर मैंने कैसे भरी है मुझे ही पता है, बहुत मुश्किल से भरी गई वो, क्योंकि वो रखना बहुत मुश्किल होता है उसमें। और चल भाई इधर को चल, तो ज़रूरी नहीं है उसके पास लेके जाना होता है, थोड़ा सा बस उसको टच करना होता है, देखो अपने आप ही ले लेता है ये। तो ये जा रही है देखो पीछे जाके, और ये इस बक्से के अंदर सेट हो रही है, देखो ये ऊपर हो गई ऑटोमेटिक भाई, फुल
फुल ऑटोमेटिक सिस्टम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है यार, देख एकदम मस्त मोला। ये गई देखो जाके, फिर मुड़ती कैसे है भाई देखो। और बेल छोटी सी है इसलिए जल्दी कट जाती है। ले भाई ये भी गई, और एक बच्ची यहाँ पर, एक बच्ची पीछे। चलो पीछे वाले को मैं भी उठाता हूँ। ये भी गई अपने बेल दूसरी। अब एक है भाई आखिरी, तो 10 बेल छोड़ी थी मैंने टोटल। ख़ैर टोटल बेल इतनी बनी थी 20-25 के आसपास। इसको बंद होने देते हैं। लो भाई सारी बेल अपनी 10 की 10 सेट हो गई। इसको करते हैं 20 से ऑन, और इसको भाई मैं भेज देता हूँ अभी। यहाँ पर बिकेगी एनिमल डीलर पे, अगर देख लें तो ये एनिमल डीलर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बेल हमारी यहाँ बिकनी है, तो मैं इस भाई को एक सेट डेस्टिनेशन, और इसको देखता हूँ यहाँ पे करके चला जाएगा कि नहीं। ठीक है वो जाने लगा। हम चलते हैं भाई अपने ट्रक के अंदर। ये अपनी पिकअप गाड़ी खड़ी, मैंने पैक वैक कर ली है सारी। तो इसके अंदर दिखा रहा है, अच्छा इसके अंदर इतनी बेल आई हैं टोटल 9100, यानी कि 9 बेल। अब 9 नहीं है भाई, ज़्यादा ही है। 5 तो पीछे ही हैं और 6-11 बेल हैं भाई इसके अंदर। ओ भाई रुक रुक रुक। तो ये भाई ट्रक अपना, ये चलता थोड़ा लहरा के है क्योंकि ये भाई माउस से चलता है, माउस से ऐसे ही चलता है। आ जा भाई आ जा। तो जा रहे हैं भाई बेल बेचने दोनों। एक मिनट उसको आने देते हैं यार, उसके बिना उसको ले ही लेते हैं। आ जा आ जा आ जा। चक्कर है मैं अगर गाड़ी लेके उसके सामने सामने चलता हूँ तो भाई वो अटकने लग जाता है। तो उसको चाहिए खुला रास्ता, उसके सामने कोई गाड़ी आ जाए कुछ आ जाए तो भाई अटक जाते हैं। और भाई इस गाड़ी की स्पीड देखो यार, 120 की है भाई। बहुत ही भाई पिकअप ट्रक है ना ये, तो इसकी स्पीड तो तेज होगी होगी। ओके तो तीनों ट्रैक्टर की स्पीड और इस गाड़ी की स्पीड भाई ज़्यादा है, इस गाड़ी की स्पीड तब भी ज़्यादा है। तो इसको मुझे लेके जाना पड़ेगा शायद वहाँ पे भाई। अच्छा यहाँ से तो एनिमल मिलेंगे और ये बिकेगी इस पॉइंट पे। देखो वो ग्रीन ग्रीन आ रहा है, मैंने टैग कर दिया था पहले ही। तो यहाँ लेके चलते हैं और वो भाई अपना देखते हैं आ रहा है कि नहीं। चलो उसको बाद में देखते हैं। हाँ वो आ रहा है भाई देखो। तो यहाँ पर जाके और बस, ओ लो भाई बेल अपने आप ही चली गई, वेरी गुड। इसको करते हैं भाई बंद और बेल्ट हटा लेते हैं। 1595 की, लो भाई 1600 रुपये की बेल चलेगी अपनी 11। मैंने सोचा था कि हाथ से उतारनी पड़ेगी, तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है यहाँ पर भी। और एक मिनट इसको खड़ा करते हैं यहाँ पे, उसका इंतज़ार करते हैं भाई का। कहाँ गया भाई, आजा आजा आजा। आ रहा आ रहा, वो आया। इधर आ भाई, इधर आ भाई, कहाँ जा रहा। तो ये मैंने इसको यहाँ पर सेट करा था, देखता हूँ कहाँ पर आता है। तो वैसे इसके अंदर जाके हम उसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर जाएंगे ई दबा के और इसको एच से हटा देंगे, बस बात ख़त्म। क्योंकि वो चला गया थोड़ा आगे। तो इन बेल को लेके चलते हैं यहाँ पे, इनको यहीं पर अनलोड कर दूंगा मैं। वैसे तो ट्रेलर पे लेके आनी पड़ती हैं, मैं इसको ऐसे ही ले आया हूँ। ओके चल भाई ठीक है भाई, इसको कर देते हैं यहाँ पे वाई। वाई से होता है अनलोड। ये आएगी पीछे, देखो ये निकली भाई, कितनी छोटी छोटी बेल है वाई। लो भाई ये बेल भी चलेगी अपने ऑटोमेटिकली 1000 रुपये की। और इसको करते हैं भाई बंद, एक बार इसको बंद कर देता हूँ पूरा, एक सेकंड बस। ये लो भाई बंद हो गया। एक बार मैं इसको भाई रोड पे खड़ा कर दूँ और इनको भेज देता हूँ घर। तो ये चले जाएंगे अपने आप। ओके ठीक है भाई, अब चलो दबाते हैं इसको और सेट डेस्टिनेशन। तो इसको मैं चलो यहीं पे मंगा लेते हैं। आ जा भाई। ओके ये गया, अब चलते भाई। उस तो हमें उस गाड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उस गाड़ी के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है और उसका डेस्टिनेशन सेट कर देना है। और इसको मैं मंगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो गाड़ी भी गई और दोनों चले गए। हम चलते हैं टैब मार के वापस इसमें। तो ये है ये मल्चर है, वो है रोलर। तो एक सेकंड यार, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो ये रोलर है, ये मल्चर है, ठीक है। एक मिनट, तो रोलर के साथ हम इसकी ऊपरी लेयर को सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लेके चलते हैं, इसको चला के देखते हैं एक बार, खोलते हैं एक्स से। ये देखते हैं भाई ये मल्चर ये कैसे काम करेगा अपना। ये
और इसको बी से ऑन करना पड़ेगा क्या? अच्छा ये ऑन नहीं होगा, अच्छा बस ये ज़मीन पे आएगा, तो इससे अपनी ऊपरी जो फसल अपनी जो खेत की वो है वो सही हो जाएगी। तो यहाँ पे चला के देखते हैं इसको, इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। तो ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है भाई, देखना चाहिए। नहीं भाई इसको कौन, अच्छा इस यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैंने भाई क्या कर रखा है, तो यहाँ पर कल्टीवेट हो रखा है सिर्फ और कुछ नहीं। तो इसको चलाता हूँ पहले कल्टीवेट वाले पे, देखता हूँ। तो ऑन ही कर लेते हैं इसको वी से। तो ये जो आपने देखे होंगे खेतों में चलाते हैं ना रोलर रेक होता है जो ऊपर ऊपर चलाना होता है, तो ये तो भाई घास को उड़ा रहा है देखो। अच्छा अच्छा तो ये खेत के ऊपर चलाने के लिए नहीं, ये एक सेकंड भाई, दिस इज रोलर एंड मल्चर कहाँ गया, ये है मल्चर, तो ये मल्चर है। अच्छा ये क्रॉप, ये क्रॉप को हटाने के लिए भाई, ये गलत ले लिया मैंने यार कंफ्यूजिंग है भाई ये। अच्छा इसको चलाना था, अच्छा इसको भाई एक बार उठा लेते हैं ऊपर, इसको चलाना था भाई इसके ऊपर, ये पराली के लिए। तो अभी इनके नाम भी पता नहीं है ना यार, नई नई चीज़ है, नई नई टेक्नोलॉजी है, तो धीरे 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 दिमाग में घुसेंगे भाई। इसको चलाते हैं कोने पे, एक मिनट वापस करके सीधा करते हैं, आ जा भाई वापस एक मिनट। अच्छा जिधर को मैं मोड़ रहा हूँ गाड़ी, तो ये अभी वहीं को जा रहा हूँ। और ये हेल्पर इस पर काम कर लेगा, हाँ भाई हेल्पर इसमें काम करेगा। देखो तो हेल्पर मैंने लगा दी, ये देखो ये पराली देख रहे हो, इसका रंग और इसका रंग भाई दोनों का चेंज हो रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस तरफ जो हमने वीट काटी थी उसके अंदर जो पराली बची है देखो छोटी छोटी, इसको उसने भाई प्लेन कर दिया बिल्कुल, यानी कि वो जो पराली है उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो खेत के साथ मिल गई नीचे, यानी कि वो स्ट्रॉ टाइप बन गई। तो मैंने कोशिश करी थी इसको उठाने की स्ट्रॉ को, लेकिन ये उठती नहीं है, तो ये उठी नहीं। अब यहाँ तो ये हो सकता है कि ये छोटी है इसलिए नहीं उठी, तो इसमें रोलर वो है। अच्छा तो भाई अभी तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जरा इस टेक्नोलॉजी को। तो भाई मस्त है यार ये, बढ़िया है। एक मिनट पीछे आएगा कि नहीं, हाँ आएगा एक मिनट, हाँ ठीक है। जो अगली आप देख सकते हो कि भाई आगे और पीछे में क्या फ़र्क आ रहा है, देख रहे हो कलर भी चेंज हो गया और ये सही भी हो रही है। देखो ये है भाई, ये पराली को ख़त्म करने के लिए, तो पराली वगैरह हो तो ये उसको काट रहा है, जाने के देख रहे हो इसके अंदर एक कांटे से बने हुए हैं ना, इसके जो ये ब्लेड हैं ये काफ़ी तेज हैं, ये देखो इसके अंदर बने हुए हैं, ये बहुत तीखे हैं भाई, ये ब्लेड हैं काफ़ी तीखे, तो रोलर है ये, रोलर के ऊपर ब्लेड लगा रखे हैं। तो अब हिंदुस्तान में ये टेक्नोलॉजी इंडिया में है या नहीं है तो मुझे नहीं पता, आप बताना कमेंट करके। आप तो भाई खेती बाड़ी करते हो जो, तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और ये कर रहा है देखो यहाँ पर इसने छोड़ दी कोने कोने पर, चलो मैं उसको बाद में कर दूँगा। तो इसको मैं जब कॉर्न वगैरह लगाऊंगा, कॉर्न जो कॉर्न होती है उसके अंदर जो कांटे निकलते हैं आपने देखे होंगे, उसकी जो पेड़ की जड़ें होती हैं कॉर्न की फसल की वो बड़ी होती है, तो उसको इसको उस पर लगा के देखेंगे कि उसको भी ख़त्म करता है कि नहीं करता। तो क्या होता है कि प्लोइंग हिंदुस्तान में कम होती है, मेरे जीजा जी हैं पंजाब बलाचौरम जहाँ मैं अभी शादी में गया था, तो वो खेती बाड़ी के सारे ट्रॉली और ये सब बनाते हैं, ट्रॉली बनाते हैं और टिलर और भाई तवियाँ। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर सारे जो किसान भाई हैं वो भाई तवियों से करते हैं या कल्टीवेटर से करते हैं, हिंदुस्तान में प्लोइंग बहुत कम होती है 10-15% उनके हिसाब से। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है उनको, क्योंकि वो उस एरिया में रहते हैं उनको उस एरिया के बारे में जानकारी है, उनको पूरे हिंदुस्तान की जानकारी नहीं है, हो सकता है उनकी बात गलत हो। आप मुझे बताना कि हिंदुस्तान में कितने लोग, कितने किसान भाई, कितने ये अपनी प्लोइंग करते हैं, मतलब हिंदुस्तान में प्लोइंग कितने परसेंट होती है, 10%, 20%, बाकी सब तवियों से और टिलर से और कल्टीवेटर से काम करते हैं। तो ये हो गया भाई अपना दूसरा टूल, अब चलते हैं इसको करने देते हैं हेल्पर को। अब यहाँ पे चल के देखते हैं, तो अगर यहाँ पर देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको कांटे कांटे से नज़र आएंगे। अब इससे बड़ा कैमरा हो नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। और ये नीचे नहीं बैठता क्या, एक मिनट, हाँ ये नीचे बैठ गया, देखो अब ये नीचे बैठ गया। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कांटे कांटे से जैसे फसल काटने के बाद रह जाते हैं, और यहाँ पर देख रहे हो तो बिल्कुल प्लेन हो चुकी जगह। तो ये जो हमारी पराली है हमें जलानी नहीं पड़ेगी, इसको चला के ये ख़त्म हो जाएगी। ओके भाई अब चलते हैं भाई तीसरे ट्रैक्टर की तरफ, अपने मतलब तीसरे टूल की तरफ जो कि है उस पर। एक मिनट मैं इसको भाई हटा दूँ, नहीं तो हेल्पर फंस जाएगा। चल भाई चल 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 कर स्टार्ट।
तो इसको मैं एक बार साइड में खड़ा कर दूँ, और भाई इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये दोनों हेल्पर यहाँ पे आके खड़े हो गए। ओके भाई चल, तो स्वराज के साथ काम करने से क्या दिक्कत आ रही है कि स्वराज का जो हुक है ना पीछे हिच, तो भाई वो बहुत ऊँची है तो उसमें दिक्कत हो रही है। तो स्वराज को हटा देते हैं अभी और इसको लगाते हैं। अब इन रोलर से देखना है कि ये रोलर क्या काम करते हैं, ये वाकई फसल को सही करते हैं। तो ये रोलर मैंने देखे हैं जो किसान भाई क्या करते हैं, जब फसल लग जाती है तो ये उसको प्लेन कर देते हैं, मतलब ऊपर से। तो ये बस इनका यही काम होगा। तो ये है भाई तीन टेक्नोलॉजी मैंने आपको कल दिखाई थी एक दूसरे पार्ट में, और ये तीन मैंने और देखी थी। तो ये नई आई हैं बिल्कुल, इसके बारे में भाई कोई जानकारी नहीं थी, FH19 में तो पता नहीं था। तो वो देखो खेत का रंग देख रहे हो कैसे से कैसे चेंज हो गया भाई एकदम। तो बताना भाई कैसी लगी है टेक्नोलॉजी, और आपने इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है तो मुझे इसके बारे में भी ज़रूर बताना। इसको खोलते हैं भाई, ये काफ़ी बड़ा है तो मुझे लगता है इसको कल्टीवेट करने के बाद चलाना पड़ेगा। इसको अगर मैं फसल पर चलाऊँगा तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये नीचे करते हैं तो अच्छा, तो ये सिर्फ रोलर ही हैं ऐसे, बस ये ऐसे ही चलेंगे भाई। काफ़ी बड़े हैं ये, और 12 मीटर का और 24 मीटर का। तो इसको एक मिनट भाई, यहाँ तो वो हेल्पर आ गया, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ। इस यहाँ पर मैंने फसल लगाई थी कनोला, तो इसको कनोला के ऊपर चला के देखते हैं। फसल लगाने के बाद तो इसको नहीं चलाना पड़ेगा मेरे ख्याल, इसको पहले चलाना पड़ेगा कल्टीवेट के बाद। देखो मैं खेती बाड़ी तो इतनी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में नॉलेज तो है ही है कि भाई कैसे होना चाहिए। चलो करते हैं इनको डाउन रोलर को, ये देखो ये ऐसे हो गए। अब चलाते हैं इसको इसके ऊपर, इसमें हेल्पर लगता है, यस इसमें भी हेल्पर लगता है। तो ये रोलर क्या कर रहे हैं, बस मिट्टी की ऊपरी सतह को इसके एक मिक्स कर रहे हैं बस, और इनका कोई काम नहीं है। तो वो लकड़ी के एक यहाँ तो फट्टा लगा लेते हैं, आपने देखा होगा किसान भाई ट्रैक्टर के पीछे एक लकड़ी का फट्टा होता है, मतलब मोटा सा, उसके ऊपर एक बंदा बैठ जाता है प्रेशर देने के लिए। तो वो बंदा प्रेशर दे के उसके ऊपर बैठ के भाई फिर उससे काम करता है। अच्छा तो इसने यहाँ पर कर दिया, तो इसको मैं देखता हूँ फसल हमारी ख़राब हुई है क्या हुआ। तो देख रहे हो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तो यहाँ का और यहाँ का कलर देखो, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हल्का सा ब्राउन जो पहले ज़्यादा था वो कम हो गया देखो, और यहाँ का थोड़ा ध्यान से देखो, बिल्कुल यहाँ से देखो तो ये ज़्यादा ब्राउन है और ये लाइट ब्राउन हो चुका है। देखो देख रहे हो फ़र्क आ गया भाई, थोड़ा सा बड़ा फ़र्क आया। ओके भाई ओके, चल चल चल, तेरा काम नहीं ख़राब करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर फ़र्क आ रहा है, बिल्कुल फ़र्क आ रहा है भाई, ये ब्राउन ज़्यादा है और ये ब्राउन कम हो गया। तो ये रोलर ये काम कर रहा है। चलो तो ये हो गया भाई रोलर का काम, और इसका काम भाई का ख़त्म हो गया। इसको मल्चर को अभी बंद कर देते हैं भाई, इनके नाम देखने पड़ेंगे ना मल्चर। तो ये हो गया भाई अपना पराली को काटने वाला। अगर इसके ऊपर ध्यान से देखें, तो इसके ऊपर अगर ध्यान से देखो तो ये एक ब्लेड लगा हुआ है इनके ऊपर, ये भाई बहुत ही तीखा ब्लेड है, देखो बहुत शार्प है। तो कम से कम इसके अंदर भाई 15-20 ब्लेड लगे हुए हैं एक इसमें। तो ये रोलर है देखो, तो देखें तो भाई 4x8 मतलब 12 से 15 ये लगे हुए हैं इसमें ब्लेड। तो यही जो है पराली को काटते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पराली अब हमें जलानी नहीं पड़ेगी भाई, अब पोल्यूशन नहीं होगा, कम होगा। अब चलते हैं इस भाई की तरफ। तो ये है भाई रोलर, इसको मैं एक बार वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पर मैंने कल्टीवेट कर रखा है, और इसको मैं इस खेत में भी चलाऊँगा जहाँ पर मैंने अभी ये पराली को काटा है। तो देखते हैं इससे और इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। तो हेल्पर को हटा देते हैं यार एक बार, एक चल भाई चल। ओके थैंक यू। तो कलर देखो चेंज कर दिए इसने, अब देखो जिसने जहाँ जहाँ पर नहीं करी वहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसको मुझे चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे हेल्पर को जगह नहीं मिल रही चलाने की। बस बस एक थोड़ा और पीछे ला, और थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। यार ये पेड़ कहाँ से, अगर यहाँ से ऐसे देखेंगे तो इतना पार्ट काला है और अगला पार्ट जो है लाइट ब्राउन है, ये डार्क है वो हल्का हो गया। तो करते हैं इसको ऑन एक बार सीधा करके। ओके भाई ये है भाई रोलर, तो इससे ऊपरी सतह जो है अपने खेत की वो बढ़िया हो जाएगी, यानी कि फसल हमारी और बढ़िया उगेगी, क्वालिटी हमारी फसल की और बढ़ जाएगी, मतलब मिट्टी की क्वालिटी और बढ़ जाएगी। बस इतना ही चलाना था इसको ही। अब इसको उठा लेते हैं, और इस भाई ने थोड़ा सा इस कोने पे नहीं चलाया यहाँ पे, क्योंकि भाई आगे वो बाढ़ लगी है तो हेल्पर को आगे जाने का टाइम जगह नहीं मिलती। तो मैं तो चला सकता हूँ क्योंकि भाई मैं तो खुद ही चलाता हूँ नॉर्मल। तो एक बार थोड़ी सी यहाँ पे रह गई थी,
एक बस तो ये मतलब कल्टीवेटर की तरह निशान डाल रहा है, देखो जैसे कल्टीवेटर होता है ना, इसके निशान वैसे आ रहे हैं जैसे कल्टीवेटर के। लो भी अब ले चलते हैं इसको इस खेत में, यहाँ पर मैंने अभी पराली ख़त्म करी थी, इसको देखते हैं इसको चला के ये क्या करता है, हो सकता है कल्टीवेट कर दे मे बी, अब क्या पता भाई क्या भरोसा। इसको चेक कर लेते हैं अभी, तो इसको करते हैं भाई डाउन वी से और 3 दबाते हैं क्रूज मोड। तो यहाँ पर अगर हेल्पर लगाता हूँ तो हेल्पर इस काम इस फील्ड में काम नहीं कर रहा, देखो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर हेल्पर काम करे वहाँ पर ही चलेगा। अब चलते हैं उस खेत में, उसमें मैंने कल्टीवेट कर रखा है तो इसको वहाँ पर चलाते हैं, तो ये उसमें मुझे लगता है 100% काम करेगा। और फसल लगाने के बाद भी इसने काम कर दिया, इसका मतलब कि फसल लगाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन भाई फसल लगाने के बाद फसल ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको तब लगाना है तब चलाना है जब हम कल्टीवेट कर लें। तो ये खेत यार बहुत ही छोटे हैं, सोच रहा हूँ इनको बेच के कोई बड़ा सा खेत लूँ, उसमें कोई फसल लगा के फिर करते हैं काम, क्योंकि यार इतने छोटे छोटे खेत में तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगा यार, कुछ भी इसमें खेती बाड़ी का कोई स्वाद नहीं। ओके भाई हो गया सीधा, अब देखते हैं यहाँ पर चला कर थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा बाहर किनारे पे छोड़ कर चलाना चाहिए ताकि किनारा कोई बचे नहीं। ओके लो भैया हो गया, अपने रोलर करते हैं इसको डाउन। लो भाई यहाँ देखते चला के, ओहो एक मिनट, तो यहाँ पे कर रहा है हेल्पर काम, एक मिनट मैं साइड में हो जाता हूँ। लो भाई इसने ये डिजाइन बना दिया मतलब कल्टीवेटर की तरह, जैसे सीडिंग होती है तो इसमें देख रहे हो ये पत्थर पत्थर से निकला है, और अगर यहाँ पर देखें तो ये मिट्टी देख रहे हो, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसने क्या किया है, लेयर को लेयर बना दी ये वाली, मतलब ऊपर इसने डिजाइन सा बनाया और इसको लेयर को इसने ऊपरी लेयर को बड़े बढ़िया कर दिया, इसकी क्वालिटी बढ़ा दी। तो भाई रोलर का ये काम है, तो इसको भी लगाना पड़ेगा अगली बार जब हम खेती बाड़ी करेंगे। तो अब ये देख रहे हो ये कहाँ से काम कर रहा है, इसने यहाँ तक करा है काम भाई। इन दोनों फसलों का, इसका और इसका फ़र्क देख लो, कितना फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये उबड़ खाबड़ सी लग रही है और ये बिल्कुल एकदम कायदे कानून में ऐसा लग रहा है, बिल्कुल एकदम लेवल पे है और बढ़िया हो गई, एक तरह से लेवल भी हो गई और बढ़िया भी हो गई। तो ये है भाई इसका काम रोलर का, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली थोड़ी सी दिक्कत है ये है कि समझ नहीं आ रहा था मेरे को शुरू में, मैंने सोचा कि वो ये है वो, मुझे नाम नहीं दिमाग में आ रहा था, मतलब भाई दिमाग में नाम भाई बैठा नहीं है। तो इसको मल्चर्स बोलते हैं, MULCHER मल्चर्स, तो मल्चर भी बोलते हैं, मल्चर बोल सकते हैं, और हो सकता है अंग्रेज तो कुछ और ही बोलते हैं मल्चर, वो ऐसे बोलते हैं। तो क्रॉप स्टबल्स, ठीक है ना, क्रॉप स्टबल जो फसल की जो ठूंठ होती है, जड़ होती है, उसको हटाने के लिए, यानी कि पराली जिसे हम बोलते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में। तो ये छोटे छोटे भी हैं, इनसे भी ले सकते हैं काम। तो सबसे बड़ा इसमें ये है 6 मीटर का, तो ये है 5, ये भी 5.8 मीटर, तो बराबर ही हैं दोनों। लेकिन इसमें देखो इसकी स्पीड अगर चलाओगे आप इसको तो ये 12 की स्पीड पे चलेगा, मैंने ये भी नोट करा था, हाँ मैं बताना भूल गया, इसकी स्पीड 18 की, ये तेज़ काम करेगा, ये करेगा 12 पे काम, तो ये करेगा उससे डबल काम। तो इसको मत लेना, ये लेना। और दूसरा था भाई रोलर, अगर रोलर खेत बड़ा है तो ले ये 24 मीटर का लगा लेंगे, अगर खेत छोटा है तो भाई 12 मीटर का। और बाकी मैंने आपको बताया बेल अगर छोटी बनाते हो तो उसके लिए ये बेलर, ये छोटा वाला ये था 120 सेंटीमीटर की छोटी बिल बनाता है, और लोडर ये वाला है जो, बाकी ये तो बड़ी बेल उठाने के लिए, ये सब बड़ी, ये इसमें तो हमें खुद, ये ट्रेलर है बेल के, और ये है उसको बखर पैक करने के लिए, एक मिनट, हाँ ये शायद ये भी बेल उठाने के लिए, और ये है भाई बड़ी बेल उठाने के लिए 180 सेंटीमीटर से 240। अब ये इसमें मुझे लगता है बड़ी वाली बेल बनेंगी, देखते हैं इसको, इसका इस्तेमाल करेंगे अगली बार जब बेल और बनेंगी, बड़ी बेल बनाएंगे। तो देखो इसने यहाँ पर काम नहीं किया, ये इसने यहाँ भाई ने यहाँ छोड़ दी, ये पूरी इसने जगह छोड़ दी। तो चलो ठीक है यार, ये था आज का गेम प्ले छोटा सा, और फिर इसके बाद मैं देखता हूँ कि जो ये खेत हैं अपने, एक मिनट, तो अपने जो ये खेत हैं भाई ये बहुत ही छोटे हैं, देखता हूँ कोई बड़ा खेत मिल जाएगा तो यहीं पर अपने घर के आसपास, या ये हो गया 41 नंबर, या ये हो गया 30 नंबर, तो कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन छोटे छोटे खेतों से कोई मज़ा आने वाला नहीं है, क्योंकि यार ये देख रहे हो कितना, और इन्होंने एक गड़बड़ ये करी है कि इस बार जैसे खेत पे मैं, अब ये पूरे खेत इकट्ठे ही बिकेंगे, देखो ये सारी जगह इकट्ठी जाएगी, बताओ ये क्या, ये गड़बड़ है। और ये पूरी अपने घर की जगह जो है इसकी वैल्यू है 1.5 लाख, और इस अगर मैं इसको लेता हूँ 41 को और यहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाता हूँ नया, तो भाई इसकी हमारे को वैल्यू इतनी पड़ेगी, बताओ
तो ये अलग अलग नहीं भेज सकते। और इन्होंने ये नहीं करा, मैंने एक सोचा था कि अगली बार इस गेम में ये चीज़ होगी कि इस जगह की कितनी, ये जगह कितनी है, कितने एकड़ है, कितने हेक्टेयर है, ये इसमें नहीं आ रही, तो ये कमी है। हो सकता है आने वाली अपडेट के अंदर ये हो जाए कि ये जगह का पता लग जाए, टोटल जगह कितनी है और इसमें कितने हेक्टेयर पर हम खेती कर सकते हैं, कितने एकड़ पर मतलब खेती होगी और बाकी कितनी बेकार जगह है। तो ये बेकार जगह है जो इस पर घास लगी हुई है, इसको हम काट के अपनी गायें भेड़ बकरी जो भी खाती है उनको खिला सकते हैं। ठीक है भाई, ये था आज का गेम प्ले। आज मैंने आपको मल्चर और रोलर और भाई एक वो लोडर के बारे में बताया और छोटी बेल कैसे बिकेंगी वो भी बता दिया। और अगली बार फिर कुछ और करते हैं, खेत वेत देखते हैं जो भी होगा। चलो मैं इनको जरा सेट वेट करता हूँ और जो मैंने किराए पर सामान लिया अपन को वापस कर दूँ, नहीं तो फिर पैसे लग जाएंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो, खाओ भी स्वस्थ रहो और भाई मस्त रहो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।